नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर की जो सबसे चर्चित पुस्तकें हैं, यानी कि 2019 की जो सबसे चर्चित पुस्तकें हैं उनके विषय में बात करेंगे। और लगभग सभी पुस्तकों को इस वीडियो में समाहित किया गया है और यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, कभी कभी दो प्रश्न भी आ जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी पुस्तकों को कवर किया गया है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो है पुस्तकें आ चुकी हैं। पहली पुस्तक है सावरकर, इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट, 1883 से 1924। ये किसने लिखी है? ये लिखी है विक्रम संपत ने, याद रखिएगा। अगली पुस्तक है हेमंत करकरे, ए डाटर्स मेमोयार, ये लिखी है जूई करकरे नवरे ने। हेमंत करकरे पे लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, द डाटर फ्रॉम ए विसिंग ट्री, अनयूजुअल टेल्स अबाउट वुमेन इन मैथोलॉजी, ये पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति ने। अगला है द फॉल ऑफ बगदाद, ये लिखा है जॉन ली एंडरसन ने। आगे बढ़ेंगे, ब्रिज ऑफ क्ले, ये लिखा है मार्कस जुसाक ने लिखा है ब्रिज ऑफ क्ले। अगली है लिटानियस ऑफ डच बैटरी, ये लिखी है एनएस माधवन ने। अगली पुस्तक टोरो कारा टोरो, ये लिखी है नरेंद्र कोहली ने, और हिडिम्बा ये भी नरेंद्र कोहली ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में अगली पुस्तक है पुनाची और द स्टोरी ऑफ ए ब्लैक गोट, ये लिखी है पेरुमल मुरुगन ने। अगली है कॉल मी बाय योर नेम, ये लिखी है आंड्रे एसीमन ने। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। और ये 2019 की बहुत ही ज़्यादा चर्चित पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकों को इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। गरम पहाड़, ये लिखी है अनीता भटनागर जैन ने। दिल्ली की बुलबुल, ये भी लिखी है अनीता भटनागर जैन ने, यानी कि गरम पहाड़ और दिल्ली की बुलबुल दोनों पुस्तकें अनीता भटनागर जैन ने लिखी हैं। अगली दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है द रेनाइज़ सेंस मैन, द मैनी फैसेट्स ऑफ अरुण जेटली, इसका विमोचन किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अगली है टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द मोदी ईयर्स, टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स, ये लिखी है राहुल अग्रवाल और भारतीय एस प्रधान ने। अगली पुस्तक है ड्रीम ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम, ये लिखी है बेरिया मजूमदार और नलिन मेहरा ने। आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में अगली पुस्तक है डायमंड मेरे पास, ये लिखी है संजय धारवाड़कर ने। डस्ट अंडर हर फीट, ये उपन्यास है शरबरी जोहरा अहमद का, ये बांग्लादेश के जो है उपन्यासकार हैं। अगली पुस्तक है रेडी टू फायर, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई स्पेस, ये भी पुस्तक इम्पोर्टेंट है, ये लिखी है नाभी नारायण और अरुण राम ने। आगे बढ़ेंगे, खुशियों के गुप्तचर, ये लिखी है गीत चतुर्वेदी ने। रस की लाठी, ये लिखी है अष्टभुजा शुक्ला ने। कम से कम अशोक वाजपेयी ने लिखी है। आंसू का वजन केदारनाथ सिंह। बुढ़िया सूत और सपने, ये लिखी है विश्वनाथ सचदेव ने। काशी नहीं जुलाहे की, ये लिखी है यस मालवीय ने। दोस्तों, इसमें आंसू का वजन ध्यान में रखिएगा केदारनाथ सिंह की है, इम्पोर्टेंट है। और काशी नहीं जुलाहे की एस मालवीय, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अंबर में अबाबील, ये लिखी है उदय प्रकाश ने। पानी को सब याद था, ये अनामिका ने लिखी है। जहाँ चुप्पी टूटती है, ये लिखी है शैलजा ने। पागलखाना, ये लिखी है ज्ञान चतुर्वेदी ने। मैं जब तक आई बाहर, ये लिखी है गगन गिल ने। आगे बढ़ते हैं, रसराज पंडित जसराज, ये लिखी है सुनीता बुद्धि राजा ने। कोलाहल की कविताएं, ये लिखी है अंबर पांडे ने। और निशब्द की तर्जनी, ये लिखी है उत्पल बनर्जी ने। आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में अगली पुस्तक है द स्टेशनरी शॉप, ये लिखी है मार्जन कमाली ने।
नाइट ऑफ द पावर, नाइट ऑफ पावर ये लिखी है अनारकली ने, द गर्ल एंड द टाइगर ये लिखी है पाल रोसोली ने, द गर्ल एंड द टाइगर, डार्कनेस ये लिखी है रत्नाकर मतवादी और विक्रांत पांडे ने, डार्कनेस याद रखिएगा। अगली है लव एंड लॉथिंग इन सिलिकॉन वैली ये लिखी है नमित अरोरा ने। अगली पुस्तक है व्हेन यू आस्क मी वेयर आई एम गोइंग जसमीर कौर ने लिखी है। और अगली है हाउ टू सेव ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ध्यान में रखिएगा, टॉम गिंसबर्ग और अजीज जड हक ने लिखी है। अगली पुस्तक है मेजरिंग पावर्टी अराउंड द वर्ल्ड ये लिखी है एंथोनी बी एटकिंसन ने, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसको भी ध्यान में रखिएगा, मेजरिंग पावर्टी अराउंड द वर्ल्ड। अगली है फ्लावेड द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज डायमंड मुगल नीरव मोदी तो ये लिखी है पवन सी लाल ने। रिवर्स रिमेंबर द शॉकिंग ट्रुथ ऑफ ए मैन मेड फ्लड ये लिखी है कृपा ग्रे ने, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है इसको भी ध्यान में रखिएगा। डैग मैन फेस 22 ये लिखी है डेव पिलके ने। द गार्जियंस ये लिखी है जॉन ग्रोसम ने। द टेस्टामेंट्स बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसके लिए मार्गरेट एटवुड को 2019 का जो है बुकर प्राइज़ दिया गया है, मैन बुकर प्राइज़ दिया गया है द टेस्टामेंट्स के लिए मार्गरेट एटवुड को, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। गर्ल ओमेन अदर ये लिखी है बर्नार्डिन एवरिस्टो ने। फिर मेरी याद ये काव्य संग्रह है जो कि कुमार विश्वास का है, ये भी जो है आपने देखा होगा यदि आप कुमार विश्वास को फॉलो करते होंगे। फिर मेरी याद काव्य संग्रह, जयप्रकाश तुम लौट आओ ये लिखी है ममता मेहरोत्रा ने। दोस्तों इसमें से द टेस्टामेंट्स आपको ध्यान में रखना है, मार्गरेट एटवुड को 2019 के लिए मैन बुकर प्राइज दिया गया है और साथ ही एवरिस्टो बर्नार्डिन एवरिस्टो को भी मैन बुकर प्राइज दिया गया है, तो इन दोनों को जो है 2019 के लिए दिया गया है इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसी क्रम में अगली पुस्तक है असम द कार्ड द डस्कार्ड ये लिखी है संगीता बरुहा पिसरोती ने। द ग्रेट गेम इन द बुद्धिस्ट हिमालयाज इंडियाज एंड चाइनीज क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस ये लिखी है फंचोक स्टोपदान ने। कश्मीर लैंड ऑफ रिग्रेट्स ये लिखी है मूसा राजा ने। गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम्स बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम ये अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो की है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। दोस्तों ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान में आपको रखना है। एस्थर डुप्लो जो कि और अभिजीत बनर्जी को जो है नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो ध्यान में रखिएगा। यूजर इकोनॉमिक्स ए रेडिकल रिथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पावर्टी ये पुस्तक भी अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो की है, तो ये दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। गुड इकोनॉमिक्स और यूजर इकोनॉमिक्स ये दोनों पुस्तकें जो है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो ने लिखी है, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिकमिंग ए गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरिंग योर वॉइस ये लिखी है मिशेल ओबामा ने। अगली पुस्तक माई सीडीसियस हार्ट ये अरुंधति राय ने लिखी है। रूट्स टू रेडियंस ये लिखी है निकिता उपाध्याय ने। द अनक्वाइट रिवर ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र ये लिखी है अरूप ज्योति सेकिया ने। मेजरिंग पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड एंथोनी बी एटकिंसन ने। वर्ड्स फ्रॉम माई विंडो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे द आर्ट ऑफ टाइंग अ पग ये लिखी है नताशा शर्मा और प्रिया कुरियन ने। द अपोलॉजी इव इंसलर ने लिखी है। एन इरा ऑफ डार्कनेस ये लिखी है शशि थरूर ने, ये भी ध्यान में रखिएगा। छीलते हुए अपने को एक कविता संग्रह है ये नंद किशोर आचार्य ने लिखा है। ए लॉन्ग पीटल ऑफ द सी ये लिखा है इसाबेल एलेंडे ने। ब्रेक पास्ट विथ ईविल ये लिखी है आशीष नैंडी ने। द एपोलॉजी लिखी है किसने, यू इंस्टॉलर ने। आगे बढ़ेंगे,
इसी क्रम में अगली पुस्तक है विटनेस ऑफ रिमेम्बरेंस, ये लिखी है कुंवर नारायण ने। चैट्स विद द डेड ये लिखी है सीहन करुणेंतिलाका ने। हाउ टू बी ए डिक्टेटर, द कल्ट ऑफ पर्सनालिटी इन द 20th century, ये लिखी है फ्रैंक डिकोटर ने। ऑन माई टर्म्स, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ये लिखी है शरद पवार ने। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ऑन माई टर्म्स अगली है द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, द ड्रामेटिक डिकेड। इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, एंथोनी बी एटकिंसन, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगली है इनइक्वालिटी रेक्सा माइंडेड माइन, ये लिखी है अमर्त सेन ने। इनइक्वालिटी रेक्सा माइंड अमर सेन, प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी दीपक लाल, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक डिफरेंस, किसने लिखी है, ग्रेटा थनबर्ग ने, और इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में करंट अफेयर में आपको बताया था। 2019 में जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुनी गई हैं। अगली पुस्तक है लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोविंगली, ये लिखी है अनुपम खेर ने। आगे बढ़ेंगे लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पर आधारित पुस्तक है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। तो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ग्रेटा थनबर्ग ने लिखी है। अगली पुस्तक है कश्मीर की अनकही कहानी, ये किसने लिखी है, इकबाल चंद मेहरोत्रा ने। द डायरी ऑफ मनु गांधी, ये लिखी है डॉक्टर त्रिदीप सुरहद ने। अगली है फॉर्चून टर्नर्स द क्वार्टेट दैट स्पन इंडिया टू ग्लोरी, ये लिखी है आदित्य भूषण और सचिन बजाज ने। रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस, ये लिखी है विनोद राय ने। द कोटेशन द महात्मा एंड द इटालियन ब्राह्मण, ये लिखी है मनु एस पिल्लई ने। चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, ये लिखी है हरिवंश एवं रविदत्त वाजपेयी ने। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, ये लिखी है संदीप शास्त्री ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, संदीप शास्त्री ने लिखी है। इसी क्रम में दोस्तों अगली पुस्तक है द टेक विस्परर, ये लिखी है जसप्रीत बिंद्रा ने। ट्रस्ट इन ट्रांजेक्शन, ये लिखी है प्रसन्नता रे और रुक्मिणी सेन ने। अगली पुस्तक है दोस्तों ऑपरेशन एक्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज कोवर्ट नेवल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान 1971, ये लिखी है कैप्टन एम एन आर सामंत ने। अगली पुस्तक यंग कास्त्रो द मेकिंग ऑफ ए रेवोल्यूशनरी, ये लिखी है जोनाथन एम हैंसन ने। राजनीति बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह, ये लिखी है गौतम चिंतामणि ने। अगली पुस्तक है दोस्तों द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल एस सी त्यागी, ये भी पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये थी 2019 की सबसे ज़्यादा चर्चित पुस्तकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।